हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं टैरेट कार्ड के माध्यम से कि सितंबर का महीना एरिस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। रीडिंग जनरल है, हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनको रेजोनेट करे प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करिएगा। हेल्थ और प्रोफेशन के लिए मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आप लोगों को कुछ एंजाइटी रह सकती है, रातों को नींद डिस्टर्ब हो सकती है। विचारों में स्टेबिलिटी लेकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि विचार स्टेबल रहेंगे तभी आप किसी भी कार्य के लिए अच्छे से सोच सकेंगे। सोच विचार करके ये एनालाइज कर सकेंगे कि क्या काम आपको करना है, क्या काम आपको नहीं करना है, जो कि आपकी हेल्प करेगा उस एंजाइटी से बाहर निकलने में। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं वो लोग थोड़ा सा ठंडा पानी पीना अवॉइड करें, और इसके साथ में अगर लाल मसूर का दान मंगलवार के दिन आप लोग करते हैं तो ये आपको बेनिफिट करेगा। आपके हेल्थ एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम आती है एंजाइटी रिलेटेड तो उसको डील करने में। तो ये तो थी हेल्थ रीडिंग फॉर एरिस राशि। प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो फर्स्ट कार्ड जो है वो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कंफ्यूजन नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट के चलते हो सकती है या किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए हो सकती है। तो बिजनेस में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे ग्रो करें, तो थोड़ी कन्फ्यूजन नजर आ रही है, लेकिन आउटकम जो है वो अच्छा है। सो हीलिंग प्रोसेस है। बिजनेस और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कन्फ्यूजन्स रहने वाली हैं। किसी कन्फ्यूजन्स के चलते बिजनेस और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कन्फ्यूजन्स नजर आ रही हैं। किसी तरह का डायलिमा रह सकता है कि करें नहीं करें, स्टेबिलिटी को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, लेकिन आउटकम आपका अच्छा आने वाला है। सो डोंट वरी, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसे लीजिए, छोड़िएगा नहीं, और आउटकम जो है वो अच्छा ही रहेगा। ओम नमो नारायण का जप करना इस समय पर अच्छा रहेगा आपके लिए। सो जिसको भी ये रीडिंग रेजोनेट करे, अच्छी लगे, प्लीज़ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।